नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 138, 139 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। उपसभापति महोदय, हम लोगों के सामने रेलवे समझौता आयोग की जिन सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव है, वे सिफारिशें आंतरिक सिफारिशें हैं, क्योंकि रिपोर्ट ही अंतरिम रिपोर्ट है। अपनी रिपोर्ट में समझौता आयोग ने इस बात को किया है कि रेलवे की वित्तीय समस्याएं तथा दूसरी अन्य समस्याएं इतनी जटिल हो गई है कि गहराई में जाकर उनकी छानबीन करने की आवश्यकता है और उनका समाधान निकालने की जरूरत है। जो सिफारिशें हम लोगों के सामने मंजूरी के लिए आई हैं, वे वही है जो इतने सालों से चली आ रही है। इतने सालों से जिस तरह से चीजें चली आ रही है, उसी तरह से अब भी चलनी चाहिए, यही सिफारिश है। हमें आश्चर्य होता है कि यह सरकार जो प्रगति और परिवर्तन की हिमायती है, वह इस प्रकार की सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव लेकर आती है, जबकि स्वयं यह समझौता आयोग इस बात की आवश्यकता अनुभव करता है कि समस्याओं को गहराई में जाकर देखने, जांचने और नया हल निकालने की आवश्यकता है। पैरा चेंज। महोदय, यह जो रेलवे बोर्ड है और जो इसकी अर्थव्यवस्था है, जो उसकी प्रबंध व्यवस्था है, वह पुरानी पड़ गई है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय की व्यवस्था अभी तक चलाई जा रही है, जबकि पिछले वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक आवश्यकता में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। रेलवे बोर्ड की प्रबंध व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है। यही मूल कारण है कि आज रेलवे आर्थिक दुर्व्यवस्था का शिकार हो रहा है। इसलिए जब तक हम पुरानी व्यवस्था को नहीं बदलेंगे और समय के अनुसार अर्थव्यवस्था और प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। पैरा चेंज। श्रीमान, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि रात दिन हम औद्योगिक अशांति की बात सुनते हैं, अभी भी मजदूरों की हड़तालें चल रही है। रेल मंत्रालय की ओर से कहा जाता है कि मजदूर हड़ताल कर देते हैं और रेल सेवा
ठप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन प्रश्नों को हम अभी नहीं उठाना चाहते, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि जब तक रेल के प्रबंध में मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक आप रेल सेवा को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।